हेलो फ्रेंड, मैं जसबीर अपने चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए जे वाला टू कलर का बॉर्डर लेके आए हैं। जे स्कैलर बॉर्डर बहुत ही सुंदर लगता है बनकर, डिज़ाइनर बॉर्डर है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इस बॉर्डर के लिए हमने जे अलग कलर के फंदे डालने हैं, एक कलर के, और जे फंदे हमने डिज़ाइनर डालने हैं। डिज़ाइनर फंदे हम थोड़े से मोटे डालने हैं। हमने जे देखिए पांच पीस लेकर फंदे डालने हैं। जे पांच पीस हैं, पांच पीस लेकर उनके हमने फंदे डाले हैं। डिज़ाइनर फंदों का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां जाकर आप इन फंदों को देख सकते हैं कि डिज़ाइनर फंदे हमने कैसे बनाए हैं। तो आपने ये डिज़ाइनर फंदे डालने हैं। हमने जे 47 फंदे डाले हैं, टोटल 47 फंदे डालकर हम इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। और जब हम 47 फंदे नीचे डालेंगे तो हम जब जहाँ पे आएंगे, मतलब दो सिलाइयों के बाद हम जब थर्ड सिलाई में आएंगे तो हमारे फंदे 42 रह जाएंगे। मतलब जब थर्ड सिलाई बुनेंगे तो हमारे फंदे 42 रह जाएंगे। अगर आपने फंदे बढ़ाने हैं और आप नीचे पहले ही पांच फंदे ज़्यादा डाल लीजिए, क्योंकि जितने फूल बनेंगे आपके प्रोजेक्ट में, 1 2 3 4 5, तो आप पांच फ्लावर हैं तो आप पांच फंदे ज़्यादा डालने हैं। अगर 10 फ्लावर बनाने हैं आपने तो 10 फंदे ज़्यादा डालने हैं उसके बाद, क्योंकि हर फूल में से एक फंदा कम हो जाएगा, इस फूल में से एक फंदा कम इसमें से, जब हम डिज़ाइन को बनाते हैं। पहले हमने बनाया था तो हमें लगा कि भाई नहीं, जे मतलब 47 है तो 47 रहेंगे, ऐसा नहीं है, आपके फंदे 42 रह जाएंगे जब आप 47 डालेंगे। पांच फंदे, पांच फूलों में एक एक फंदा कम हो जाएगा। तो अगर आपने ऐसे बनाना है, पांच फंदे ज़्यादा डालकर, तो ऐसे बनाइए तो आपके फंदे ऊपर। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में जैसे 90 फंदे डाले हैं या 80 फंदे डाले हैं या 90 डाले हैं, अगर 90 डाले हैं और 90 फंदे ही ऊपर जाते हैं तो आप हर फूल के ऊपर फिर थर्ड सिलाई में एक एक फंदा बढ़ा सकते हैं। जे इसमें, क्योंकि हमें पता है जब हम ये डिज़ाइन डालेंगे बॉर्डर का, तो हमारे व्यूअर्स हमें कमेंट्स करके पूछेंगे कि भी मैम आपने तो 47 फंदे डाल लेते तो फिर हमारे तो 42 रह गए, अब एक एक फंदा कहाँ गया। इसीलिए हम बता रहे हैं कि एक एक फंदा जहाँ, तो आप पांच फंदे पहले ही ज़्यादा डालिए। अगर आपने ऐसा ही बॉर्डर बनाना है तो आप जहाँ पर एक एक फंदा बढ़ा सकते हैं, जो हमने नहीं बढ़ाया है लेकिन आपको कह रहे हैं कि आप एक एक फंदा बढ़ा सकते हैं। तो ये डिज़ाइन बनकर बहुत सुंदर लगता है, बैक साइड से देखिए जे ऐसा लगेगा, क्योंकि हमने एक एक फंदा उतारना है तो जे ऐसा आएगा जिग जैग की तरह। तो जब ये बन जाता है, इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, बेबी स्वेटर में, कार्डिगन में, लेडीज़ कार्डिगन में ही डलेगा और बच्चों के स्वेटर पे ही ये डिज़ाइन बॉर्डर डलता है, जेंट्स पे नहीं डलता है, क्योंकि ये बनकर बहुत सुंदर लगता है। तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएं और आप नए नए डिज़ाइन, बॉर्डर, कार्डिगन बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने इसमें 47 फंदे डाले हैं, 47 फंदे हमने डिज़ाइनर डाले हैं। ये डिज़ाइनर फंदे जो हैं, जे हमारी वीडियो पहले हम अपलोड कर चुके हैं, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से ये डिज़ाइनर फंदे देख सकते हैं। जे डिज़ाइनर फंदे हमने पांच पीस लेकर डाले हैं, पांच पीस को एक एक थ्रेड को डबल करके पांच बार डबल किया और फिर हमने ये फंदे डाले हैं। तो इन फंदों को हम 9-9 फंदों के हिसाब से बुनना है। 9 फंदों के हिसाब का डिज़ाइन है, तो 9 9 × 5 तो बन गए 45 और एक फंदा आगे और एक पीछे हमने रखना है। अब हमने ये फंदे डालने के बाद उसी टाइम दूसरा कलर शुरू कर देना है। ये ओनली फंदे ही डालने हैं, आप किसी और कलर के। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट सिलाई बुनेंगे इस कलर से, इस कलर को हमने अटैच कर लिया है।
हम एक सीधा फंदा बुनेंगे, थ्रेड आगे करेंगे, फिर दूसरा फंदा बुनेंगे, थ्रेड आगे करेंगे। इस फंदे को, हर फंदे को हम थ्रेड आगे करके ही बुनना है। जैसे जाली डालते हैं ऐसे ही हमने बुनते हुए जाना है। ऐसे आगे किया, बुन लिया, आगे किया, बुन लिया, आगे किया, बुन लिया, पूरी सिलाई ऐसे ही बनानी। ये लास्ट में हमारे दो फंदे बचे हैं, फिर आगे फंदा किया और बुन लिया एक, और लास्ट वाला फंदा सिंपल बुन लिया, बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं, सेकंड सिलाई है हमारी। फर्स्ट सिलाई हमारी ऐसे बनी है जाली डाल के। अब सेकंड सिलाई में हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा उतारेंगे, इस सेकंड फंदे को हम बुनेंगे, बुन लिया। अब हम इस फंदे को जो हमने जाली डाल के बुना है उसको उतार देंगे, बुनेंगे नहीं, उतार दिया। अब जो बुना हुआ फंदा है उसको उल्टा ही बुनेंगे, जाली वाला फंदा उतार देंगे ऐसे, और बुना हुआ फंदा ही बुनेंगे। पूरी सिलाई ऐसे करना है, ऐसे उतार देना है फंदा, फिर बुनना है, उतार देना है, बुना हुआ फंदा बुनना है, उतार देना है, बुना हुआ फंदा बुनना है, उतार देना है, और बुना हुआ फंदा बुनना है। तो हम पूरी सिलाई ऐसे ही, जो जाली है उसको उतार देंगे और बुने हुए फंदे को बुनेंगे, इसको उतार देंगे और बुने हुए फंदे को बुनेंगे। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये हमारी सेकंड सिलाई है, तो सेकंड सिलाई आप पूरी ऐसे बनाएंगे। तो फ्रेंड, इस सिलाई को आपने बहुत ध्यान से बुनना है, बुने हुए को बुनना है, इसको उतारना है, बुने को, इसको उतार दिया, बुन लिया, उतार दिया, बुन लिया, उतार दिया, और लास्ट वाला बुन लिया। तो इस सिलाई को आपने बहुत ही ध्यान से बुनना है, ऐसी आएगी ये सेकंड सिलाई। ये जाली वाले फंदे हमारे उतर रहे हैं, ये देखिए सेकंड सिलाई होगी। अब हम थर्ड सिलाई में हैं। थर्ड सिलाई में हम क्या करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, सीधा उतार लिया। अब हम सात फंदे इस सिलाई पे लेंगे, इस पे 1 2 3 4 5 6 7, और आठवां फंदा हम सीधा बुनेंगे, ऐसे सीधा बुन लिया। अब इन फंदों को हम इसके ऊपर से स्लिप करेंगे, ऐसे बारी बारी से, सात फंदे 2 3 4 5 6 और 7, सात फंदे हमने बारी बारी से, ये देखिए स्लिप कर दिए। अब एक फंदा हम बुन लेंगे, एक फंदा हमने बुन लिया है, एक फंदा जो है हमने बुना है, लेकिन इस जो एक फंदा है इसी के अंदर से हम सात बार फंदे निकाल लेंगे, क्योंकि जहां हमने सात फंदे कम किए हैं एक बार में, अब इस फंदे में हम सात बार बुनेंगे। एक बार थ्रेड आगे किया, दो बार, तीन फंदे हो गए, थ्रेड आगे किया, चार और पांच फंदे हो गए, थ्रेड आगे किया, छः और सात फंदे हो गए। तो सात फंदे हमने एक फंदे से निकाल लिए हैं। आगे फिर हम सात फंदे उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, सात फंदे उतारे हैं, आठवां फंदा बुनेंगे, इसके ऊपर से सारे फंदे स्लिप करेंगे, 7 2 3 4 5 6 और 7, ये देखिए ऐसे आएगा, सात फंदे स्लिप कर दिए।
अब आगे जो एक फंदा हम बुनेंगे उसमें से तीन बार हम फंदा निकालेंगे, एक थ्रेड आगे किया, दो थ्रेड आगे किया, तीन, तो सात फंदे बनाने हैं, चार बार निकालेंगे, तीन थ्रेड आगे किया और चार, चार बार हम एक फंदे से निकाल लेंगे थ्रेड आगे करके, तो सात फंदे बनेंगे, दो चार छः और सात। आगे फिर हम सात फंदे उतारेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, सात फंदे उतारे, आठवां फंदा बुनेंगे और इन फंदों को ऊपर से स्लिप करेंगे, दो तीन चार पाँच छः और सात, तो सात फंदे हमने स्लिप कर दिए। अब आठवें फंदे, सात फंदे स्लिप कर दिए, ये फंदा हमारा आठवां था। इस फंदे को हम जब बुनेंगे एक बार, थ्रेड आगे करके दो बार, थ्रेड आगे करके तीन बार, थ्रेड आगे करके चार बार, जब चार बार बुनेंगे तो हमारे सात फंदे बन जाएंगे। फिर हम सात फंदे उतारेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, और आठवां फंदा हम बुनेंगे और इन फंदों को बारी बारी से स्लिप करेंगे। अब हम स्लिप कर लिए हैं, इस फंदे में से बुनेंगे एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, एक फंदे में से बुना तो सात फंदे हो गए। आगे हम फिर सात फंदे उतारेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठवां फंदा बुन लेंगे, इसके ऊपर से फिर इन फंदों को स्लिप करेंगे, एक बार दो बार तीन बार चार बार पाँच बार छः बार और सात बार, सात बार स्लिप किया। अब इस फंदे में से हम सात फंदे निकाल लेंगे, हम देखेंगे कि हमारा डिज़ाइन जो है इसके साथ जे बड़ा है, इसके साथ जे बड़ा है, इसके साथ, इसके साथ जो जे वाला है पोर्शन, इसके साथ हमने जे बढ़ाया है, इसके साथ जे बढ़ाया है, इसके साथ जे बढ़ाया है, इसके साथ इसको बढ़ाया है। अब आगे हम इसके साथ एक फंदा और बढ़ाएंगे, एक बार बुनेंगे, एक दो बार आगे फंदा किया, तीन बार आगे फंदा किया, चार बार बुन लिया, एक फंदा हम लास्ट में बुन लेंगे, तो हमारे फंदे बराबर आ जाएंगे। जी देखिए बिल्कुल बराबर आएंगे, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, 47 डाले थे तो 47 ही फंदे रहेंगे। अब हमारी फोर्थ सिलाई है और रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड हम फोर्थ सिलाई पूरी ऐसे उल्टी ही बुनेंगे, जितने फंदे बढ़ाए हैं वो भी उल्टे बुनेंगे, ऐसे जो हमने सात फंदे बढ़ाए थे वो भी उल्टे बुनेंगे, जो हमने एक किया है वो भी उल्टे बुनेंगे, फिर आगे सात फंदे उल्टे बुनेंगे, तो हमने ऐसे पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। हम और भी आपके पास नए नए डिज़ाइन लेके आएंगे, सुंदर सुंदर से जो बॉर्डर आप कहेंगे वही बनाएंगे, अच्छे अच्छे जो कार्डिगन में बॉर्डर चलता है वही बनाएंगे, जो बच्चों के स्वेटर में और लेडीज़ कार्डिगन में बॉर्डर बहुत चलता है, तो पूरी सिलाई आप उल्टी बनाइए। ये देखिए फ्रेंड हमारा बॉर्डर बनकर रेडी हो गया है, अब आप आगे जो बॉर्डर बनाना है जैसा भी बनाना है बना सकते हैं। हम उल्टी उल्टी देखिए जहाँ से जहाँ किंगरी बनकर आती है, अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर उल्टी सिलाई बनाएंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, ये हमारी फिफ्थ सिलाई है, उल्टा बुनेंगे, पूरा उल्टा उल्टा बॉर्डर इसके ऊपर आप बुन सकते हैं, तो हम ऐसे पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे।
हाँ तो फ्रेंड इसमें हमने 42 फंदे डाले थे, एक फंदा आगे, 8 फंदे जे, एक फंदा फिर आगे जिससे हम बुना, और 8 फंदे 8 फंदे 8 फंदे 8 8 8 के हिसाब से हमने बनाया है। 9 वाला हमने दूसरे बॉर्डर में बनाया था, इसमें हमने 8 8 फंदे लिए हैं। अब 8 8 फंदों के हिसाब से 8 8 8 8 8 पांच बार 8 8 फंदे हैं, 40 और एक आगे और एक लास्ट में, तो 42 फंदे हैं। जब हमने इन फंदों को बढ़ाया तो 42 के 42 हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 40 और 42 42 के 42 फंदे हैं। हमने ये उल्टी पांचवी सिलाई बनाई है, 6 सिलाई भी हम उल्टी ही बनाएंगे। जे हमने 8-8 फंदों का डिज़ाइन बनाया है, 7 फंदे बढ़ाए हैं, 7 फंदे ही कम किए हैं, तो इस हिसाब से हमारे 42 फंदे बनकर रेडी हो गए हैं। आप पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये बॉर्डर बनकर रेडी है। इस बॉर्डर को आप अपने प्रोजेक्ट में, बेबी स्वेटर में, बेबी गर्ल स्वेटर में, फ्रॉक में, कार्डिगन में एक बार ये डालकर देखिए और बहुत अच्छा लगेगा। सारे नीचे नीचे और अपनी जो बटन पट्टी है उसकी साइड में भी आप बुन सकते हैं, एक्स्ट्रा बुनकर ऐसे लगा सकते हैं जहाँ से आप फंदे बंद करके पूरे फिर उसके साथ अटैच कर सकते हैं बटन पट्टी के साथ। अगर ऐसे बनाएंगे और बॉर्डर ऐसा बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये बॉर्डर। इसके ऊपर थोड़ा और बॉर्डर बनाना है आपने तो बना सकते हैं। हम आपको एक लाइन और बनाकर दिखाते हैं। जितनी लाइनें आपने डालनी है उल्टी उल्टी बॉर्डर की उतनी डालकर आगे अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या डिज़ाइन बनाना है देखते हैं, वो हम आपके लिए कोई नया सा डिज़ाइन बनाएंगे। पूरी सिलाई उल्टी बन, ये देखिए फ्रेंड्स, सुंदर सा बॉर्डर बनकर रेडी हो गया है। इसको आप अपने प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। बस इसके ऊपर आप अपना कोई भी डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं कर सकते हैं। जे हमने आपको एक बार फिर बता दें, हमने दोबारा गिनती की थी इसकी, दोबारा फिर हमने इसको बनाकर देखा। हमने 47 फंदे ही डाले थे, 47 फंदों पे हमने ये डबल डबल बुना था। 47 फंदों के बाद हमने ये फंदे जो इसमें एक एक फंदा हमारा कम हुआ है क्योंकि वो हमने वहीं रख लिया था, तो 42 फंदे बचे हैं, यानी कि हमारे एक फंदा इसमें कम हुआ, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। जब आप बॉर्डर बनाएंगे तो उसमें अगर 47 फंदे नीचे थे और ऊपर 42 फंदे बचे हैं तो 42 फंदों के बीच बीच में आपने एक एक फंदा और बढ़ाना है। एक फंदा आप जहां बढ़ाइए, एक जहां पे, एक जहां पे, एक जहां पे और एक जहां पे, जो ये फूल बनता है ना इसमें फंदा बढ़ाना है आपने, जहां पे फिर जहां पे, तो आपके 47 फंदे हो जाएंगे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि हमने टोटल गिनती की है 47 ही डाले थे, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, मतलब आधा फंदा, तो हमने इतने ही फंदे डाले थे 47। 47 फंदों के बाद हमारे, जब हमने ये गिनती की थी तो 42 रहे थे, 42 रह गए थे। अगर आपने 42 पे ही बॉर्डर बनाना है, पांच फंदे कम हैं तो ठीक है। अगर आपने, ये देखिए स्टिचेबल भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे तो बॉर्डर खुला खुला बनता ही है, अगर आपने कोई और बॉर्डर इसके ऊपर बनाना है तो आप एक एक फंदा, पांचों फूल में एक एक फंदा सीधी सिलाई में और बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो थैंक यू, बहुत हम खुश होंगे कि आप अपने लिए ऐसा ही एक बॉर्डर बनाएंगे जो कि बहुत सुंदर लगेगा बनकर। तो आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, ज़रूर बनेगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपके पूरे आंसर देंगे कि हाँ इसको
कैसे बनाना है। तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, अच्छा लगेगा हमें भी, तो क्योंकि हमारी आने वाली जो और वीडियो है, जो और बॉर्डर है, उसका लिंक आपके पास आ जाएगा और आप नए नए डिज़ाइन बनाना सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।